आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। भिवंडी में इन दिनों एक्सपायरी माल की भरमार है और कुछ ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और ऐसे में लोग रमज़ान महीने में ख़रीद और फरोख्त ज़्यादा करते हैं। ऐसे में कोई ये नहीं देखता कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो ठीक ठाक है या नहीं। कहीं दुकानदार हमें खाने की बजाय एक्सपायरी माल का जहर तो नहीं दे रहा है। अलबत्ता लोग रमज़ान के महीने का फ़ायदा उठाकर लोगों को एक्सपायरी माल धूमधाम से बेच रहे हैं, मगर हम इन्हें पकड़ भी कैसे सकते हैं? सामान पर लिखे एक्सपायरी तारीख डेट से? जी नहीं, क्योंकि अब इन्हें पकड़ना ज़रा सी मुश्किल हो गया है। जी हाँ, बड़े बड़े दुकानदार अपनी दुकान को लाली पाउडर लगा कर खूब चमकाए हैं और धड़ल्ले से बेच रहे हैं एक्सपायरी माल, क्योंकि इन लोगों ने ले आए हैं ये तारीख मिटाने वाला केमिकल जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं। देखिए किस खूबसूरती के साथ इस तारीख को मिटाया जा रहा है और मशीन ले आए हैं नई तारीख डालने वाली। अब इस एक्सपायरी माल की तारीख को मिटाकर नई तारीख डाल दी जाएगी। अब बताइए, इन्हें आप कैसे साबित कर पाएंगे कि ये माल जो हम ले रहे हैं वो हमारे खाने लायक है भी या नहीं? ऐसे ही सामान लाट की दुकानों पर धूमधाम से बिक रहा है, जो आपको हर मोहल्ले गली में लाट का सामान देखने को मिलेगा। कपड़ा, जूता, बर्तन तो ठीक था, मगर खाने पीने नहाने का सामान, जिससे इंसान को सिवाय बीमारी के और कुछ नहीं दे रहे हैं ये लोग। ऐसे ही तमाम दुश्वारियों को देखते हुए भिवंडी के सोशल वर्कर जुबैर अंसारी ने इसकी शिकायत थाना के फूड ऑफिसर को दी और उन्हें पूरी तफसीली मालूमात दी है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारे चैनल के माध्यम से जनता को आगाह करने की कोशिश की है और उन्हें बताने की कोशिश की है कि आप जो सामान ले रहे हैं उसे आप किस तरीके से छानबीन करके ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं उन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानते हैं उन्हीं की ज़बानी पूरी दास्तान। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया हूँ कि भिवंडी शहर में बहुत ज़ोरों में लॉट का माल जो पहले बिकता था, लॉट का माल तो कैसा है, जूता, चप्पल और कपड़ा, बहुत से लोग घरों का सामान था, जो बर्तन वगैरह तो ठीक था। आज भिवंडी शहर में खाने का सामान डेट एक्सपायरी वो खुले आम बिक रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं। इस मामले में हमने जो फूड डिपार्टमेंट है थाना, उसको ये 23/3 को हमने दिया था उधर अधिकारी को और कार्रवाई करने बोला था, तो अभी तक का 23/3 से अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं, इसीलिए मैं आप लोग के बुलवाया हूँ। और दूसरी बात कि मैं भिवंडी की जनता को भी एक चीज़ बोलूँगा कि आपको कहीं अगर कोई भी सामान सस्ता मिल रहा है तो सस्ता क्यों मिल रहा है वो भी आप देखिए ना। सस्ता मिलने की वजह ये है कि आप उस पर डेट देखिए, और अगर डेट एक्सपायरी है तो आप पैसा दे के अपने घर में जहर खरीद के लेके जा रहे हो, उसका कैसा है खामियाना आपको हॉस्पिटल में या कहीं ना कहीं देना पड़ेगा जो सस्ता देख के, और बच्चे लोग बीमार होते ही है वो। और दूसरी बात, मैं भिवंडी के और भी लोग को, जैसे नेता लोग है और जो भी समाज सेवक हो, उनको ही बोलूँगा आप लोग भी इस चीज़ पे ज़रा आवाज़ उठाओ, और अगर ये कार्रवाई हुई होती तो आज मैं आप लोग को नहीं बुलाया होता। भाई, ये जो कार्रवाई नहीं हुई 23/3 से आप बता रहे हैं, तो अब तकरीबन एक महीने से ज़्यादा हो गया, तो इसके ऊपर फिर आपने जाके इसको फॉलो किया क्या? नहीं, अभी कैसा है वो 23/3, अब 23/4 उसको एक महीने का अपील का टाइम रहता है, अब एक महीने के बाद जब नहीं होगा तो फिर मैं जाऊँगा। और जो आपने शिकायत लिखी है तो कोई एक पर्टिकुलर दुकान, स्पेसिफिक दुकान की लिखी है या तो फिर ओवरऑल जैसे जो भिवंडी के अंदर चल रहा है उसके ऊपर बात लिखी है? देखिए फिरोज भाई, कैसा माना, मैं एक दुकान, मेरी तो किसी से दुश्मनी ही नहीं है जी, मैं जो एक दुकान नहीं, कई दुकानों में बिक रहा है, कई दुकानें, मेरा एक ही चीज़ है कि आप बेचो, मतलब जैसे एक महीना बचा है तो ठीक है,
जो एक्सपायर हो रहा है वो मत बेचो। मेरी किसी से कोई दुकान वाले से कुछ नहीं है। बाकी जो लोग मेरे को बताए, जो लोग बता रहे इधर ये एक्सपायरी बिक रहा है उधर वो एक्सपायरी बिक रहा है, तो इसलिए मैंने दिया। मेरा सवाल यही था कि इसके अंदर आपने कोई दुकानों के नाम या कोई ठिकाने लेटर में लिखे हैं क्या? नहीं, पूरा भिवंडी शहर लिखा हूँ। अच्छा। और आज के टाइम पे भाई पूरे भिवंडी में, बाहर से पूरे इंडिया में जो डंपिंग करने के लिए खाने पीने का सामान वो भिवंडी शहर में ला के बेचा जा रहा है, और इस पर कोई महानगर पालिका में जो भी फूड डिपार्टमेंट है और कोई कुछ नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या है। अब मैंने अभी जाके दिया हूँ, अभी एक महीने के बाद फिर अपील दूंगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अभी एक महीने के बाद जो उसका प्रोसीजर है अपील का, फिर वो उनके जो मेन है देशमुख साहब, उनसे भी मेरी बात हुई थी, फिर उनसे 24 तारीख को मिलूंगा मैं एक महीने के बाद। इसमें आपको कहीं जानकारी मिली कि अभी जो एक्सपायर फूड है वो तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा सब्जियाँ भी आ रही है, उसकी जानकारी आपको मिली? सब्जियाँ के भी अभी कल मेरे को लोग बोले कि सब्जी भी एक्सपायरी बिक रही है, मतलब कहते हैं उसमें तो सभी आ गया, खाने का सामान चाहे कुछ भी हो वो तो लोग की जान से खिलवाड़ हो रहा है। अभी 2-3 दिन से कुछ पेपरों में, अखबार में भी आ रहा है, बाकी उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कहीं कुछ समय ऐसा नहीं है, और इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए कि ये हमारा और तुम्हारा किसी एक का मसला नहीं है, ये एक आम जनता और कैसा है आज के टाइम पे कम सामान का लोग, जो गरीबी लोग ज़्यादा सोच रहे बोले सस्ता मिल रहा है, 500 का 200 में मिल रहा है, बाकी उनकी जान से खिलवाड़ है ना, वो उससे ज़्यादा पैसा हॉस्पिटल में भर रहे, बाकी इस पर कोई रिकॉर्ड नहीं। और भी जो लोग हैं भिवंडी के समाज सेवक और भी पार्टी को, उनको भी इसमें आगे आके और उस पर कार्रवाई करवाना चाहिए और बंद करवाना चाहिए। ये भी देखा है कि एक्सपायर फूड है ज़्यादा करके स्लम एरियों में बेचा जाता है। वही बोला ना मैं आपको, क्यों वाला मैं स्लम एरिया में, वहाँ कोई एक्सपायरी वगैरह देखने वाला नहीं है, सीधा लो और चलो, बोले 500 का 200 में मिल रहा है, 100 में मिल रहा है, तो स्लम एरिया में। अगर वो बॉस एरिया में जाएंगे तो पहले वो देखेंगे एक्सपायरी ना, इसके लिए स्लम एरिया में ही जाके बेचा। आपका कहने मतलब है कि स्लम एरिया का फायदा उठाकर जो है बेचे, सही बात। और उनको कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं किस वजह से वो ऐसा बेच रहे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसमें किसका सपोर्ट मिल रहा है जो इतनी निडरता से ये लोग एक्सपायरी डेट का सामान वो भी खाने वाला बेच रहे हैं? अभी कैसा ये तो वही बता सकते, मैं नहीं बोलूँगा, बाकी कुछ तो सपोर्ट होएगा उनको, जब भी खुले आम बेच रहे उनको कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए।